वेलकम बैक टू असम फूड्स। मैं हूं आपका दोस्त सागर शेख इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम दोबारा आए हैं मंडी स्टेशन, और किसी भी जगह दोबारा जाने की कोई ना कोई वजह होती है। तो लास्ट टाइम यहां का हमारा चिकन मंडी का एक्सपीरियंस बहुत ही आला रहा था, और ऑनर साहब ने मुझे कॉल की और उन्होंने बताया कि उन्होंने बीफ स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा ज़रा चिकन मंडी का स्टैंडर्ड तो आया था, ज़रा बीफ का भी स्टैंडर्ड ट्राई करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। तो चिकन मंदी के बाद बीफ मंदी रखी है, मैंने सुना है आपने। जी बिल्कुल, बीफ मंदी रखी है, और आपको मैंने कहा भी था कि हम लोग इस मंथ एंड पे बीफ भी इंट्रोड्यूस करवा देंगे, और अब इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद हम लोग मटन मंदी भी ले आएंगे। अच्छा, तो बीफ मंदी का बताएं कैसा रिस्पॉन्स है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। जिस तरह चिकन को लोगों ने बहुत पसंद किया, बीफ को तो उससे ज़्यादा ही पसंद किया, और बीफ हमारी माशाल्लाह चिकन से पहले बिक जाती है। अच्छा, बीफ का रेट क्या है, मतलब कितने की है बीफ मंदी? देखिए, बीफ पे भी अभी हमने 20% डिस्काउंट रखा हुआ है, और वो आधा किलो का बॉक्स हम दे रहे हैं 3 पीसेस के साथ, वो हम 400 का दे रहे हैं। और जो साथ सालसा आता है वो सालसा फ्री है, हमेशा चिकन के साथ भी फ्री है, इसके साथ भी फ्री है। सही। तो ज़रा कुछ ऑडियंस हमारी को लोकेशन में प्रॉब्लम हो रही थी, ज़रा ये बता दें किस जगह पे एग्जैक्टली ये मॉडल कॉलोनी में। और हम लोगों ने गूगल मैप पे भी अपना नाम बिजनेस जो है रजिस्टर किया हुआ है। हर कोई गूगल मैप के ऊपर भी मंडी स्टेशन रखेगा तो इजीली आप पहुँच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि ये मॉडल कॉलोनी से अंदर आते हैं हम जब सीधा लकी ब्रोज से बस 2 कदम के फासले पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये आपके पीछे ये स्कूल का जो है वो भी दिख रहा है। तो हाँ, ये स्कूल का गवर्नमेंट स्कूल बना हुआ है, गवर्नमेंट एफजी स्कूल बना हुआ है। बस यहाँ भी पहुँच सकते हैं, स्कूल मॉडल कॉलोनी कराची। सही। और मैं अपना आपका लिंक भी जो है वो लोकेशन का पिन कर दूंगा यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हम भी जरा आज ट्राई करें आपकी बीफ मंदी। हाँ बिल्कुल, आपको शेयर करते हैं आपसे। थैंक यू। तो मंदी आ गई है, बीफ मंदी। अच्छा, इसमें मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ 3 खूबसूरत से गोल से पीसेज हैं। सही है, 3 गोल से पीसेज हैं, और बीफ के पीसेज ऐसे ही होते हैं। और फिर बहुत सारे राइस हैं। राइस एक बंदे के लिए मोर देन इनफ है, मतलब ऐसा नहीं है कि कम पड़ेगी। और ये वही वाली सॉस, तो सॉस इनकी पिछली दफ़ा भी बहुत ही मज़े की लगी थी। इस दफ़ा हम नहीं कहने वाले कि सॉस को स्किप कर सकते हैं। अच्छा, ये है जी बोटी, मज़े की। और ये राइस, इसमें क्या क्या है, इसमें मिर्ची है, इसमें ये दालचीनी है। सबसे मज़े की चीज़ जो खुशबू लाती है ना, वो है ये ब्लैक वाला लेमन। ये इसका शायद खाने में कोई काम ना हो, लेकिन इसका खुशबू लाने में बहुत बहुत अहम रोल है। तो पहले हम जो है ज़रा बोटी के साथ एक पीस ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पाइसी पिछली बार से कम है, लेकिन बोटी बहुत ही नरम है। बीफ नॉर्मली इतना नरम नहीं होता, बीफ हर एक के गलाने की बस की बात नहीं होती। तो बोटी अच्छी है, नरम है। एक और बाइट लेते हैं ज़रा। धुएँ देखें कैसे निकलते हैं। ओए होए, ऐसी धुआंधार चीज़ हो तो बंदा मज़ा ही आ गया। स्पाइसेस इन्होंने पिछली बार से कम किए हैं, मिर्ची अब उतनी नहीं है, लेकिन खुशबू और टेस्ट दोनों ही बहुत आला मज़ेदार लग रही है। अच्छा, ज़रा सॉस को देखते हैं। एक बाइट सॉस के साथ और बिना बोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर आप बाइट की शक्ल दिखाएं। ओए होए, धुएं ऐसे निकल रहे हैं, मज़ा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो स्पाइसेस यहाँ पे कम किए हैं वो सॉस में बराबर कर दिए हैं। इस दफ़ा सॉस थोड़ी सी स्पाइसी है, मिंटी वैसी, मज़े की, यमी सी। और मंदी का पार्टनर लाजमी है ये सॉस, बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। एक और बाइट ट्राई करते हैं। राइस दुआदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन पैसों में यहाँ ये मंदी मिल सकती है और बहुत ही आला है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस कम है तो कहीं क्वालिटी या टेस्ट में कोई कमी है। टेस्ट कहीं कम नहीं है। राइस बहुत ही ज़बरदस्त, खिले खिले वाइस। मतलब देखें, अगर राइस देखें तो ऐसा नहीं है कि छोटे वाले राइस यूज़ किए हुए हैं। अच्छे बासमती राइस, खुशबूदार राइस यूज़ किए हुए हैं और टेस्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। टेस्ट बहुत मज़े का है, डीप अच्छा है। मतलब मेरे ख्याल से ये राम का पीस होता है और बहुत ही यम्मी पीस है, मज़ेदार है। सॉस बहुत अच्छी है। अब मैं ये चीज़ें ज़रा फिनिश करता हूँ क्योंकि पूरी तो नहीं खा सकते, लेकिन हम अलग से दो पूरी खा सकते हैं। तो मैं पूरी खाता हूँ कंप्लीट और फिर आके आपसे बात करता हूँ। तो जी, मंदी हमने खा ली है। बीफ मंदी बहुत ही मज़ेदार थी, यमी थी। और अब मज़े की बात यह है कि ये लोग फूड पांडा पर भी आ गए, तो आप भी फूड पांडा से मंगवा सकते हैं यहीं 4 किलोमीटर के रेडियस में। और आपको भी बहुत ही पसंद आने वाली है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करूँगा यहाँ आकर खाएँ, क्योंकि फूड पांडा के एक्स्ट्रा चार्जेस की वजह से आपको बहुत महंगी पड़ जाएगी। यहाँ पर यह है कि चिकन मंदी आपको 300 में पड़ेगी और बीफ मंदी जो है आपको 400 में पड़ेगी। और टेस्ट की गारंटी तो मैं आपसे ले रहा हूँ, बहुत ही मज़े की है। यहाँ के टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त और ढली हुई मंदी बनी हुई है, मज़ेदार किस्म की। गोश्त बहुत ही अच्छा, साफ़ सुथरा और नरम सा है। और चिकन तो बहुत ही मज़े की थी। आज भी मैंने दोबारा भी चिकन खाई है। तो यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल बनाएं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया।